एंड इन नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर नंबर 13 वी लर्न अबाउट शोविंग शॉर्ट टर्म्स. हम यहाँ शॉर्ट टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे. सो फर्स्ट देखिए एंटी मेरिडियम बिफोर नून. जो नून से पहले मतलब दोपहर से पहले का टाइम होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एंटी मेरिडियम. और उसे हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं ए एम. ओके. देन सेकेंड है पोस्ट मेरिडियम आफ्टरनून. पोस्ट मेरिडियम को हम कैसे लिखते हैं, PM. ओके. देन थर्ड इज ET केट्रा, इसको हम कैसे लिखते हैं, एक्सेट्रा है ये. तो एक्सेट्रा को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ETC. ओके. देन फोर्थ इज दैट इज को भी हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो हम कैसे लिखते हैं, I.E. देन फिफ्थ इज लिमिटेड को हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, LTD, लिमिटेड. ओके. देन सिक्स प्लीज़ रिप्लाई को हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं RSVP, प्लीज़ रिप्लाई. ओके. वर्सेस को हम कैसे लिखते हैं, VS. देन एट वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, हम इसको क्या बोलते हैं, VIP. क्या लिखते हैं हम, VIP. ओके. देन नाइन्थ इज जनरल मैनेजर को हम लिखते हैं GM. टेंथ ऑटोमेटेड टेलर मशीन मींस ATM, जिससे हम पैसे निकालते हैं. ओके. देन इलेवेंथ शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस मींस जो SMS आते हैं हमारे पास, ठीक है. ट्वेल्थ एज सून एज़ पॉसिबल को हम कैसे लिखते हैं, ASAP, एज सून एज पॉसिबल. ओके. एंड इन नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर नंबर 31 वी लर्न अबाउट कंप्यूटर आइकन्स. हम कंप्यूटर आइकन्स के बारे में पढ़ेंगे. आइकन्स आर पिक्चर्स ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन विच आर सेलेक्टेड और क्लिक्ड अपॉन फॉर यूजिंग द प्रोग्राम्स. मैच आइकन्स विद देयर नेम्स. फर्स्ट देखिए, फर्स्ट क्या है, ये इसका नाम है रिसाइकल बिन. जैसे हम कुछ डिलीट करते हैं तो वो डायरेक्ट पूरा डिलीट नहीं हो जाता, वो डिलीट होकर कहाँ जाता है, रिसाइकल बिन में. तो रिसाइकल बिन से हम वापस रिस्टोर कर सकते हैं. सो फर्स्ट आंसर क्या है, फर्स्ट आंसर इज रिसाइकल बिन. ओके. सेकेंड क्या लग रहा है आपको, सेकेंड देखिए, सेकेंड इज सर्च. ये आइकन जो है ये है सर्च आइकन, इसे हम कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं. ओके. सो सेकेंड इज सर्च. थर्ड क्या लग रहा है आपको, यस प्रिंट. ये जो आइकन है ये प्रिंट साइन है, इसे हम क्लिक करेंगे तो हमें प्रिंट निकाल सकते हैं. ओके. थर्ड. देन फोर्थ क्या है, फोर्थ इज साउंड. ये है साउंड, इससे हम साउंड कम या ज़्यादा कर सकते हैं. सो फोर्थ इज साउंड. देन फिफ्थ क्या लग रहा है आपको, यस वॉइस. इसमें हम अपना वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं, यहाँ हमें वॉइस सर्च भी कर सकते हैं. सो फिफ्थ इज वॉइस. देन सिक्स क्या लग रहा है आपको, यस सेव. यदि हम कुछ कंप्यूटर में बनाते हैं, कोई भी चीज़ बना रहे हैं, तो हम इस आइकन को टच करेंगे तो वो सेव हो जाएगा. सो सिक्स्थ आइकन इज सेव. देन सेवन्थ क्या है, हेल्प. अगर हमें कुछ हेल्प चाहिए तो हमें इस आइकन को टच करना पड़ेगा. सो सेवन्थ इज हेल्प. एट्थ इज म्यूज़िक, हम इससे सॉन्ग सुन सकते हैं. देन नाइन्थ देखिए, यह है पिक्चर्स. हमें इसमें पिक्चर्स क्लिक कर, जो पिक्चर्स हम स्टोर करते हैं वो इस आइकन में मिलेगा. ओके. सो नाइन्थ इज पिक्चर्स. देन टेन इज डाउनलोड. हम इस ऑप्शन से कोई भी चीज़ डाउनलोड कर सकते हैं. ओके. सो टेंथ इज डाउनलोड. देन इलेवेंथ इज इंटरनेट एक्सप्लोरर. ये साइन किस चीज़ का आइकन, इंटरनेट एक्सप्लोरर. ओके. इलेवेंथ इज इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है. एंड इन नेक्स्ट पेज नंबर 38 चैप्टर नंबर 32 टूल शॉप. हम यहाँ कुछ टूल्स के बारे में जानेंगे. अ डिवाइस यूज फॉर परफॉर्मिंग मैनुअल और मैकेनिकल वर्क इज कॉल्ड अ टूल. मतलब जो ये जो टूल है वो हमें मैकेनिकल वर्क में काम आते हैं, ठीक है. हमें इसके नाम लिखने हैं. सो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट है हैमर मीन्स हथौड़ा हमें खिल ठोकने के काम आता है. सो फर्स्ट आंसर इज हैमर. सेकेंड इज स्टेपलर. स्टेपलर हम कॉपी में पेज में मारते हैं ना, तो सेकेंड इज स्टेपलर. थर्ड इज स्क्रू ड्राइवर. हमें इसे
स्क्रू ड्राइवर नट खोलने के काम आता है. ओके सो थर्ड इज स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू खोलने के काम आता है. देन फोर्थ, फोर्थ इज वेइंग मशीन. हम इसमें वेट करते हैं, किसी भी चीज़ को रख के हम इसमें वेट करते हैं वो कितने किलो का है. ओके सो ये है वेइंग मशीन फोर्थ. देन फिफ्थ, फिफ्थ इज सीजर. सीजर मीन्स कैंची, हम इससे कुछ भी चीज़ काट सकते हैं. ठीक है, फिफ्थ इज सीजर. देन सिक्स्थ, सिक्स्थ इज सॉ मीन्स आरी. सॉ मीन्स आरी. सिक्स्थ इज सॉ. देन सेवन, सेवन्थ इज ड्रिल मशीन. ड्रिल मशीन से हम दीवार में ड्रिल कर सकते हैं, मीन्स गड्ढा कर सकते हैं. ओके सो इट इज ड्रिल, सेवन्थ इज ड्रिल. देन एट, एट इज स्पैनर. हम इसे नट टाइप करते हैं, स्पैनर. ठीक है, एट. नाइन्थ, नाइन्थ है मेजरिंग टेप. हम इससे, इस टेप से मेज़र कर सकते हैं कोई भी चीज़ की, वो चीज़ कितना लंबा है या कितना चौड़ा है. ओके सो नाइन्थ इज मेजरिंग टेप. देन टेंथ, टेंथ इज बॉटल ओपनर. हम इससे बॉटल ओपन करते हैं, जैसे पेप्सी का बॉटल हम ओपन करते हैं ना, यस ये वही है. ठीक है, टेंथ इज बॉटल ओपनर. ओके एंड इन नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 33, वी लर्न अबाउट ग्रेट इन्वेंटर्स एंड इन्वेंशंस. हम कुछ ग्रेट इन्वेंटर्स के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने बहुत सारे इन्वेंशंस किए हैं. डिफरेंट इन्वेंशंस हैव चेंजेस चेंज अवर लाइफ एवरी मिनट एंड एवरी डे. कुछ इन्वेंशन ऐसे हैं कि जो हमारे लाइफ को पूरा चेंज करके रख दिए हैं, मतलब उससे ईजी हो गया है, तो हमें यहाँ पे उसे मैच करना है. सो फर्स्ट है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल. जो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल है, उन्होंने क्या चीज़ इन्वेंट किया था? उन्होंने टेलीफोन इन्वेंट किया था. क्या इन्वेंट किया था? टेलीफोन. सो फर्स्ट आंसर इज टेलीफोन. ओके देन सेकेंड, एल ई वाटरमैन. एल ई वाटरमैन ने फाउंटेन पेन, फाउंटेन पेन जिसे हम लिखते हैं, उन्होंने वो इन्वेंट किया था. ठीक है, देन थर्ड, चार्ल्स बेबेज. चार्ल्स बेबेज दो थे, उन्होंने कंप्यूटर का इन्वेंशन किया था. उन्होंने किस चीज़ की खोज की थी? कंप्यूटर की. ओके सो थर्ड इज कंप्यूटर. देन फोर्थ, गुगलीलम मार्कोनी. इन्होंने किस चीज़ का इन्वेंशन किया था? यस, इन्होंने रेडियो का इन्वेंशन किया था. किस चीज़ का? रेडियो. तो फोर्थ आंसर इज रेडियो. देन फिफ्थ, जे एल बेड. इन्होंने किस चीज़ का इन्वेंशन किया था? इन्होंने टेलीविज़न का इन्वेंशन किया था. सो फिफ्थ आंसर इज टेलीविज़न. देन सिक्स्थ, जेम्स वॉट. जो जेम्स वॉट थे, उन्होंने किस चीज़ का इन्वेंशन किया था? यस, उन्होंने किया था स्टीम इंजन. किस चीज़ का? स्टीम इंजन. जो ट्रेन चलती थी ना इंजन से पहले, वो जेम्स वॉट ने इन्वेंट किया था, उन्होंने खोज की थी. सो सिक्स आंसर इज स्टीम इंजन. देन सेवन्थ, थॉमस एल्वा एडिशन. थॉमस एल्वा एडिशन ने बल्ब का इन्वेंशन किया था. जो बल्ब हम घर में चलाते हैं ना, वो थॉमस एल्वा एडिशन ने किया था. ओके सो सेवन्थ आंसर इज थॉमस एल्वा एडिशन, बल्ब. एट्थ, राइट ब्रदर्स. राइट ब्रदर्स, इन्होंने एरोप्लेन का इन्वेंशन किया था. किस चीज़ का? एरोप्लेन. ठीक है, सो एट्थ आंसर इज एरोप्लेन. ओके